हेलो एवरीवन, दिस इज एस के चौधरी फ्रॉम एस के सी लाइफ। आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम अपने जीवन में आज जो कुछ भी हैं, आप अपने जीवन में जो कुछ भी होंगे, वो सब अपने शिक्षकों के बदौलत हैं। हम सबके जीवन में जो सबसे बड़ी भूमिका में हमारे माता पिता के बाद होते हैं, वो हमारे गुरु होते हैं, हमारे शिक्षक होते हैं, हमारे मेंटोर होते हैं। शिक्षक कौन, एक बहुत बड़ा विषय है। और बचपन से लेकर के आज तक हमने कई सारे परसेप्शन, कई सारी बातें इस संदर्भ में सोचा है। बचपन में हमें लगता था कि जो कुछ नहीं बनता है वो शिक्षक बन जाता है। थोड़े से बड़े हुए तो हमें ऐसा लगा कि शिक्षक वो है जो अपने जिंदगी में असफल रहा है, और फिर वो अपनी असफलताओं से जो सीखा वो लोगों को बता रहा है, वो शिक्षक है। और हमने एक ऐसी धारणाएं बना रखी थी कि हर वो व्यक्ति शिक्षक है जो फेल है ना। और शायद शिक्षकों की जीवन बहुत आसान होती होगी, क्योंकि वो सब तरफ से असफल हुए तो शायद यहाँ पे सफल हो जाएंगे। लेकिन पिछले लगभग 2017 के बाद से लेकर के आज तक एक शिक्षक के रूप में हमने अपने जीवन में जो महसूस किया है, उसके बाद मैं आज अपने छोटे से करियर और छोटे से अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि शिक्षक होना आसान नहीं है। एक शिक्षक होना आसान नहीं है। आपका दिन, आपके सपने, आपके जो एक एक मिनट होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका नहीं होता है, बल्कि ये उन सभी विद्यार्थियों का होता है जो आपसे जुड़े होते हैं, जो आपसे कनेक्टेड होते हैं। मैंने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से विद्यार्थियों से मैं जुड़ा हूँ, और हमारा अनुभव ऐसा रहा है कि एक शिक्षक को अपने सारे सपने, अपने सारे लक्ष्यों को, अपने सारे उद्देश्यों को अपने बच्चों के प्रति, अपने स्टूडेंट्स के साथ जीना पड़ता है, और यही हमारा जीवन है। मैं जब ये सब कुछ बता रहा हूँ तो इसका एक भी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इस प्रोफेशन से नाराज हूँ या फिर हमने अपनी ज़िंदगी को कम जिया है। मैं थैंकफुल हूँ उन सभी व्यक्तियों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने शिक्षकों के लिए, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया कि मैं आज जो कुछ भी हूँ। आप सब में हमसे जितना सीख पाते हैं, आप सब में हमसे जितना इंस्पायर्ड हो पाते हैं, इसमें हमारे शिक्षकों की और ना जाने कई लोगों की योगदान रहे होंगे। तो उन सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस बात को बहुत ही दावे के साथ कहता हूँ, हमने कई बार इसको कन्फेस करा है कि मैं आज अपने जीवन में जो कुछ हूँ वो अपने बाय चॉइस हूँ, अपने पसंद से हूँ, और मैं अपने जीवन में आने वाले समय में कुछ भी हो जाऊँ, लेकिन मैं अपनी पहचान हमेशा एक शिक्षक के तौर पर चाहूँगा। हमने इस रोल को, हमने इस भूमिका को बहुत जिया है, बहुत इंजॉय किया है, और हमने कभी शॉर्टकट नहीं अपनाया, चाहे वो क्लास की बात हो या फिर अपने जीवन की बात हो। हमने हमेशा इस बात को तवज्जो दिया है कि जो भी काम शुरू करना है उस काम में हमें 100% देना है, और हमें अव्वल आना, हमें श्रेष्ठ अपने आप को रखना है, पहले स्थान पर रखना है। और वही काम मैं आज अपने विद्यार्थियों के माध्यम से कर रहा हूँ। आज जब मैं क्लास में एंट्री लेता हूँ, जब मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ, तो मैं ये सोच रहा हूँ उस क्लास से ठीक पहले तक कि शायद मेरा ये कंटेंट कम है, शायद मुझे इस पे और काम करना चाहिए। और मैं इसीलिए लगातार हमेशा अपने कंटेंट को, हमेशा अपनी जानकारियों को अपडेटेड रखने का प्रयास करता हूँ। और कभी भी, चाहे वो सेशन के दौरान हो, क्लास के दौरान हो, या फिर हमारे जिंदगियों में हो, अगर कहीं पे भी अगर हमें ऐसा लगता है कि हाँ शायद ये जानकारी हमारी अधूरी है, यहाँ पे मैं गलत हूँ, तो मैं उस चीज़ को स्वीकार करने में आधा सेकेंड भी नहीं गंवाना चाहता हूँ, आधा सेकेंड भी नहीं लगाता हूँ। हमने अपने जीवन में एक शून्यता आज भी रखी, हमने अपने जीवन में एक एक्सेप्टेंस आज भी रखा हूँ, और मैं निरंतर इस बात के लिए प्रयासरत रहता हूँ कि किसी भी माध्यम में मैं सीखना है, और हम लगातार सीखते रहेंगे, जीवन भर सीखते रहेंगे। तो ये हमारा अनुभव है, और थैंक्स टू एवरीवन, आपने जो भी हमारे जीवन के हिस्से, जिस माध्यम से भी आप हमसे जुड़े हुए हैं, तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइज। और आप सबने हमें बहुत प्यार दिया, और इसके भी हमें आगे और भी ज़रूरत है। आप हमें हमेशा इनकरेज करते रहें और हमें हमेशा अच्छे मार्ग दिखाते रहें। हम उन विद्यार्थियों को ज़्यादा पसंद करते हैं जो हमें कहते हैं कि सर हमारी चीज़ हमें समझ में नहीं आए, या इसे वापस एक बार और बता दो। या फिर मैं विशेष करके उन विद्यार्थियों का भी बड़ा फैन रहा हूँ जिन्हें मैं एकदम पसंद नहीं आया, उन्होंने हमें लिखा कि सर, हालांकि ये बहुत कम ना के बराबर कोई भी ऐसे बच्चे नहीं रहे, ये हमारी मेहनत भी शायद ऐसी रही होगी, तो मैं उन्हें ज़्यादा पसंद करना चाहूँगा, क्योंकि हम एक्सेप्टेंस को रखते हैं, स्वीकारिता को रखते हैं, आने वाले समय में चाहते हैं कि हमारा अच्छा से अच्छा वर्जन निकले। तो इन्हीं बातों के साथ आप सभी को शिक्षक दिवस की अनंत शुभकामनाएं, और आपके प्यार के लिए, आपकी इतनी सारी शुभकामनाओं के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
आशा करता हूँ कि आगे भी आपका प्यार इसी प्रकार से बना रहेगा और हम सब मिल करके अपने अपने जीवन के अपने अपने अलग अलग उद्देश्यों में सभी लोग सफल होंगे और आने वाले कल में बेहतर समाज, बेहतर बिहार, बेहतर झारखंड, बेहतर भारत का निर्माण करेंगे, बेहतर विश्व का निर्माण करेंगे, अपनी अपनी भूमिकाएं निभाएंगे। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।